उसने ट्रेलर देखा और मुझे पूछा, यू एक्ट? व्हाई डू यू थिंक आई वाज, मैं पागल हूं फोटोग्राफर मेरी? आप दोनों की केमिस्ट्री कैसे? या आप ये कहेंगे कि अभी फिल्म देखनी पड़ेगी हमें उसके लिए भी? नहीं, ये तो आप आंसर चुरा रहे हैं। तो आप एज एन एक्टर ग्रीडी हैं या फिर ठीक है मैं पिकी रहूंगा या चूजी रहूंगा रोल्स के लिए? सी, ऐसा नहीं कि आप पिकी रहोगे चूजी रहोगे। आई थिंक यू नीड टू रेजोनेट विद द कैरेक्टर एंड द स्टोरी। आई वुड अगेन कम बैक टू द सेम थिंग कि स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। बट एक सबसे पहले तो वो बोलूंगा कि भूख है to work and to keep working and to prove and explore at the same time. Shantanu ke saath agar koi film ka offer milta hai aapko kisi dusre subject pe, to kis type ki film karna chahiye agar koi film offer milti hai aapko? Interesting. Apart from love story, love story nahi honi chahiye, love story nahi to bhai bhai uska fully opposite. Prabhu aapke saath Ankit Singh Tomar. Well, aapne love stories to bahut sari dekhi hongi, लेकिन कभी आपने इंटेंस वाली लव स्टोरी देखी है? नहीं देखी है तो देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बहुत ही धमाकेदार फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है और उस फिल्म की कास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं शांतनु महेश्वरी और सई मांजरेकर, जो कि ऑलरेडी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और कर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत कमाल काम करते हैं ये लोग। तो सबसे पहले तो शांतनु एंड सई, वेलकम टू न्यूज़ नेशन, कैसे हैं? थैंक यू। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि शुरुआत मैं कहाँ से करूँ, लेकिन मुझे शुरुआत मिल गई है। शुरुआत ये है कि Zoom interview अभी कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? मेरे को लगा Zoom interview मतलब कुछ और था, ये कुछ और हो गया। कुछ नहीं, हमें अच्छा महसूस हो रहा है, कोई बात नहीं, मतलब पुरानी यादें ताजा हो रही है। हाँ, जल्दी हम मिलेंगे, एक अलग से इंटरव्यू लेंगे इन पर्सन। एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि जब क्योंकि फिल्म प्रमोशन शुरू होते हैं तो काफी हैक्टिक होता है। अभी सवाल जवाब बार बार आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे फिल्म को लेकर के। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी ट्रेलर रिलीज हो गया है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है आप लोगों को, ट्रेलर के बाद कोई ऐसा रिएक्शन मिला जो अनएक्सपेक्टेड था आप दोनों के लिए? बहुत लोगों, तो लाइक मेरे सर्कल में बहुत लोगों को पता नहीं था कि मैं दूसरी फिल्म कौन सी कर रहा हूँ। सो सो दैट वाज समथिंग फन टू सी देयर रिएक्शन। अरे आप क्या, ये वो, अरे इज दैट रियली यू, दिस एंड दैट, एंड दे वर हैप्पी टू सी द ट्रेलर आल्सो, क्योंकि बहुत ही इंट्रीगिंग सा ट्रेलर है। सो दे वर लाइक, अरे वाह यार, मतलब तू, एंड देन देयर होल, अपनी अपनी थ्योरीज लगाते हैं ना कुछ कुछ स्टोरीज में कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, मुझे तो ऐसा ही लगा ट्रेलर देखकर। तो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग किस्से थे उन लोगों के पास। इनफैक्ट मेरा एक छोटा कजिन है, उसका एक दोस्त है, तो हम सब डिनर के लिए गए थे, वहां पैप्स खड़े थे। तो उसने मुझे देखा, पैप्स को देखा, चला गया अंदर, फिर उसने ट्रेलर देखा और मुझे पूछा, यू एक्ट? एंड आई वाज लाइक, व्हाई डू यू थिंक आई वाज, मैं पागल हूं फैंसी फोटोग्राफर मेरी फोटो ले रहे हैं? दे वर लाइक, ओ आई डिडंट नो, सो आई एम ग्लैड दैट समवन नोस दैट आई एक्ट बिकॉज़ ऑफ द ट्रेलर। एक फिल्म का टाइटल ही अपने आप पे आई गेस बहुत एक्सप्लेन करता है और औरों में कहां दम था। हम सब ने सुना है कि ये अजय सर की फिल्म का डायलॉग है और उसी के ऊपर कहीं ना कहीं ये पूरी फिल्म बनी है। तो जब कहानी हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ट्रेलर से इतना तो समझ में आया कि आप दोनों यंग प्ले कर रहे हैं, दोनों अजय सर और तब्बू मैम का, और उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है, तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि हाँ लव स्टोरी है। लेकिन शायद कहीं ऐसा है क्या कि तब्बू मैम और अजय सर की एंट्री हुई, इसके बाद ये लव स्टोरी इंटेंस बन गई, जब तक आप दोनों थे तब तक क्यूट सी लवी डवी सी लव स्टोरी थी, ऐसा कुछ है? उसके लिए मैं बोलूंगा कि आपको 2 तारीख को, 2 अगस्त को बेसिकली थिएटर में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि ये जो आपने आपका एनालिसिस है वो सही है या गलत है। सो या आप लोगों के जब ऐसी फिल्म आप लोगों के पास आती हैं, ऑफर होती हैं, तो क्या थॉट रहता है कि शायद आप लोग कैरेक्टर को ज्यादा देखते हैं या फिर कहानी के ऊपर ज्यादा पिच करते हैं कि नहीं शायद कहानी ज्यादा अच्छी होगी, या फिर अपने कैरेक्टर को लेकर सोचते हैं, क्या थॉट रहते हैं आप दोनों? I think there's a balance between the two. Yeah. Obviously, script is the main kind of
यू नो थिंक दैट यू मेन फैक्टर, पर आई थिंक योर कैरेक्टर इज ऑल्सो इक्वली एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होगी लेकिन आपका अगर क्वालिटी ऑफ वर्क, इज नॉट इवन अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू गेट टू पुट इन, एंड इफ दैट समथिंग दैट यू थिंक इज बहुत हटके या बहुत अलग और समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली शो योर प्रोवेस इन, तो देन इट्स वेरी दैट वुड अ ग्रेट Yeah, अपॉर्चुनिटी. I would also say the same thing. दोनों होना important है. But yes, me the first preference is the story and then your character. Obviously, सही ने भी actually वही बोला. हाँ. अजय सर और तब्बू मैम भी वो स्टार्स हैं, वो लेजेंड्स हैं जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है. और जब आप लोगों को पता चला कि इनके साथ स्क्रीन शेयर करना है, क्या था दिमाग में? कभी थोड़ा प्रेशर फील हुआ या फिर लगा कि ठीक है आराम से निकल जाएगी सर? प्रेशर तो फील पहले पहले बहुत हुआ था, बिकॉज देयर टू पीपल दैट यू यू नो ग्रोन अप एडमायरिंग एंड बीइंग इंस्पायर्ड बाय, तो जब पता चला कि उनके शूज फिल करने हैं तो थोड़ा सा इट वाज अ लिटिल बिट लाइक आई वाज टेकन अबैक, बट व्हेन नीरज सर केम इनटू द पिक्चर, उनका जब गाइडेंस मिला और हमें पता चला कि उनका विजन इतना क्लियर है, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस, एंड हमने इतने वर्कशॉप्स किए दैट इवेंचुअली दैट प्रेशर जस्ट टर्न इनटू आई डोंट नो प्रेपरेशन, एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट. और एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि जो सही ने बोला है बिल्कुल सही है. एंड आई विल अग्री टू दैट बिकॉज दैट्स एक्चुअली द होल सिनेरियो. मतलब थोड़ा इनिशियल था बट देन एज सर केम टू पिक्चर देन थिंग्स चेंज. अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है कि अजय सर लेग पुलिंग बहुत करते हैं सेट पर. आप दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं. बिल्कुल वे भी नहीं. वेरी सैड. अच्छा, अभी कोई कोई ऐसी लर्निंग रही आप दोनों के लिए, तब्बू मैम से हो या फिर अजय सर से हो, क्योंकि इतने सालों से दोनों साथ काम कर रहे हैं, कई फिल्मों में साथ नजर भी आए हैं और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत पसंद किया है, तो कोई लर्निंग रही आप लोगों के लिए? आपने कुछ सीखा उन लोगों से, ये क्वालिटी मुझे दोनों की अच्छी लगती है? चीज है द वे दे परफॉर्म. एंड उसके पहले भी कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा मतलब हाइप नहीं क्रिएट करते हैं कि अरे you know, कि अभी ये मेरा सीन है, मैं आ गया हूँ या मैं आ गई हूँ सेट पे, तो you know that things have to be in certain manner. ऐसा कुछ नहीं है. दे आर वेरी मच डायरेक्टर्स एक्टर एंड दे लिसन टू सर्स इंस्ट्रक्शन क्या है क्या नहीं एंड देन दे परफॉर्म. सो कोई ऐसा ओवर हाइप कुछ सिनेरियो नहीं रहता है. एंड बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंशन द ईज एंड द कामनेस दैट दे हैव बिफोर डूइंग अ सीन और अप्रोचिंग अ सीन. सो वो बहुत ही मस्त लगता है एंड वो ट्रांसलेट होता है कैमरा पे you know एंड द वे दे प्ले विद देयर आईज. आई थिंक या या आई सेकंड दैट, आई तो एग्री. नीरज सर ने डायरेक्शन किया है फिल्म का. अवेंजर्स हो या फिर एमएस धोनी हो, ऐसी बहुत बहुत फिल्में हैं जो कमाल की फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है. एज अ डायरेक्टर आप लोग कैसे देखते हैं उन्हें, या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करने? वेरी काम डायरेक्टर हु जस्ट नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स एंड नोज एग्जैक्टली हाउ ही वांट्स टू गेट इट एंड ही विल गेट इट. आई फील लाइक दैट्स जस्ट हिज इज प्रीटी सिंपल टू डिस्क्राइब हिम, Yeah, बिकॉज़ and he's very prepared, I would say. Yeah. Like उनका pre-prod बोलो, day before the shoot and how the day is planned, it's very like discipline में रहते हैं in terms of कि ये and उनकी team पूरी. I mean credit goes to the entire team also, the way they function, it's amazing. कि मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा किसी भी point में कि कोई कुछ ऐसा हो रहा है जो not required है या कुछ है. Everything is precise. इस समय ये वो सो दैट्स लवली टू सी. कृष्णा और वसुधा दोनों कितने अलग हैं आप लोगों से, अगर मैं जानना चाहूँ रियल लाइफ में, दोनों वो रियल लाइफ में हैं तो आप दोनों से कितना अलग हैं, रिलेट कर पाते हैं या फिर बिल्कुल अलग हैं? कुछ कुछ एस्पेक्ट्स तो डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे. आई मीन इमोशन सेम ही होते हैं जो होते हैं, बाकी किसी में उसका फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम होता है. So obviously, definitely, few aspects I can relate, and there are few aspects which I can relate. Yeah, there are some that you feel like are more close to home, and some that are just like alien. So I think the traits that are a little more alien to you is what you need to kind of work on more. You can relate on, kind of just comes naturally. अजय सर और तब्बू मैम को तो हमने बहुत बार देखा है स्क्रीन पर साथ में. आप दोनों आई गेस पहली बार साथ में स्क्रीन पर आए हैं. आपकी दोनों से जानना चाहूंगा आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी, या आप ये कहेंगे कि अभी फिल्म देखनी पड़ेगी हमें उसके लिए भी? नहीं, ये तो अरे आप आप बताओ. आंसर चुरा चुरा रहे हैं.
क्योंकि जितना हमें ट्रेलर में नजर आया दैट वाज इंटरेस्टिंग, ट्रेलर में देखकर मजा आया, वो समझ में आ रहा है कि वो केमिस्ट्री वाकई में बड़ी कमाल की है। तो आप दोनों से जान लो एक्सपीरियंस कैसा रहा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का या काम करने का? This is taking us too long to answer. Shantanu, this is not nice. I thought you took a breath or you were going to start. No, I I mean, think it I'm was super fine. super fun to work with Sai actually. We definitely did go through a lot of workshops and everything to get the intensity and the chemistry जैसा चाहिए सर, जैसा सर को चाहिए था. But in terms of we didn't have any kind of ice breaking moment कि ऐसा मतलब अब हम एक दूसरे से comfortable हुए हैं. From the very beginning we were like comfortable with each other. It's just that we were just trying to get into the character and you know find our own nuances or love language, I would say, for that. Yeah, and Shantanu has always been sweet since day one, so it's been really easy to open up to him. And you know, he's been always been warm and kind to everyone, so it's easier to kind of talk to him and open up to him than it would be for most people, for me at least. शांतनु आपसे सवाल है कि अभी पिछले जितने सालों की आपकी जर्नी हमने देखी है, अभी राइट नाउ तो क्या शाइनिंग लाइक अ डायमंड, अभी हर तरफ चमक रहे हैं आप, इधर उधर ओटीटी भी कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, टीवी शोज भी कर लेते हैं, ये मैनेज कैसे कर पा रहे हैं अभी? मुझे समझ में तो आइए तो समझ आ रहा है कि शायद आप आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, पर हाउ यू आर मैनेजिंग दिस? और जब रोल्स स्पेशली सवाल यही है कि जब आप रोल कोई आपको ऑफर किया जाता है, कोई कैरेक्टर आपके पास आता है, तो आप एज एन एक्टर ग्रीडी हैं या फिर ठीक है मैं पिकी रहूंगा या चूजी रहूंगा रोल्स के लिए? ऐसा नहीं कि आप पिकी रहोगे चूजी रहोगे. आई थिंक यू नीड टू रेजोनेट विद द कैरेक्टर एंड द स्टोरी. आई वुड अगेन कम बैक टू द सेम थिंग कि स्टोरी इज इम्पोर्टेंट. बट एक सबसे पहले तो वो बोलूंगा कि भूख है टू वर्क एंड टू कीप वर्किंग एंड टू प्रूव एंड एक्सप्लोर एट द सेम टाइम अपने पोटेंशियल को. एंड अदर थिंग इज यार डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जबरदस्ती चूजी होना है या जबरदस्ती ओवरवर्क अपने आप को ओवरबर्डन करना है. If I am being able to resonate with stories and I think I can, you know, एक कुछ extra oomph factor लेकर आ सकता हूँ उसमें और मुझे मजा आएगा वो characters play करने में, then I would love to, you know, be part of those मैं projects. एक्चुअली कहीं तो पढ़ रहा था और जहाँ पे मैंने ये देखा कि कुछ फैंस आपके हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि हम शांतनु को किसी डांस फिल्म में देखना चाहें, एक प्रॉपर हाँ डांस फिल्म करें जिसमें शांतनु कास्ट हो। तो उम्मीद यही है कि रेमो डिसूजा के साथ शायद आपका कोलैबोरेशन हो जाए। होपफुली. आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट नो, लेट्स सी फिंगर्स क्रॉस्ड. सिंह, आपकी जो थी आपके तो घर में और रग रग में एक्टिंग बसी हुई है, आपके खुद के फादर साहब इतने लेजेंड एक्टर हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। जब कोई फिल्म आपको ऑफर होती है, पापा से डिस्कस करते हैं कभी आप? आई मीन ऑब्वियसली अगर वो एक साइनिंग स्टेज तक आ जाती है, मतलब हर फिल्म मैं उनके पास नहीं लेके जा सकती, उनकी तो अलग काम चालू है। बट वंस इट कम टू अ मोर साइनिंग स्टेज की अभी करनी है, यू नो नाउ इज द डिसीजन टाइम, करनी है नहीं करनी है, दैट इज व्हेन आई विल मेक हिम रीड द एंटायर स्क्रिप्ट। वो थिंग ही रीड द एंटायर स्क्रिप्ट आल्सो, एंड मॉम एंड डैड बोथ सिट वेरी पैशनेटली रीड द एंटायर स्क्रिप्ट एंड गिव मी देयर एडवाइस। दे नेवर टोल्ड मी कि ये करो या ये मत करो, बिल्कुल मत करो या यू हैव टू डू इट। दे गिव मी देयर एडवाइस, देयर ओपिनियन, एंड देन दे लाइक डिसीजंस ऑन यू कि तुम्हारा गट क्या बोल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इज योर जर्नी, योर डेस्टिनी, योर चॉइसेस दैट यू हैव टू मेक फॉर योरसेल्फ। वी कैन ओनली काइंड ऑफ हेल्प यू गाइड थ्रू देम, बाकी डिसीजंस आपके। तो आई थिंक लाइक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस दैट वी स्ट्रक आउट, बिकॉज आई डू गो टू देम विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे गिव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, बट नेवर एक्सपेक्ट मी टू काइंड ऑफ यू नो डू एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्ट। दे अलाउ मी टू मेक माई चॉइसेस एंड माई डिसीजन, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। सलमान से कभी कोई एडवाइस मिली है आपको? क्योंकि वो तो आपके एक तरीके से मेंटोर रहे हैं, कोई ऐसी एडवाइस मिली जो आप फॉलो करते जा रहे हैं आगे की तरफ? हाँ आई मीन ऑब्वियसली आई डोंट लाइक अ क्रेज्ड पर्सन कॉल हिम फॉर एवरीथिंग बिकॉज ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, बट आई नो दैट इफ आई एवर नीड हिम ही इज जस्ट अ फोन कॉल अवे। और आई थिंक दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज समथिंग दैट्स वेरी स्पेशल एंड आई एम ऑलवेज वांट टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम फॉर गिविंग मी दैट। शांतनु के साथ अगर कोई फिल्म का ऑफर मिलता है आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट पे, तो किस टाइप की फिल्म करना चाहेंगे अगर कोई फिल्म ऑफर मिलती है आपको? इंटरेस्टिंग अपार्ट फ्रॉम लव स्टोरी, लव स्टोरी नहीं होनी चाहिए।
लव तो नहीं, तो भाई बहन, उसका फुली ऑपोजिट, हम एक भाई बहन वाली फिल्म करेंगे, है चैलेंजिंग ना? नो, वी विल डू चोर पुलिस, हाँ फन दैट वुड बी फन उम्मीद है चोर कि कोई ना कोई फिल्म मेकर जल्दी से आप दोनों का अप्रोच करें ऐसी किसी फिल्म के लिए। एक और चीज कि अभी जितनी बॉलीवुड में फिल्में आ रही हैं, क्योंकि अभी लोगों का कंटेंट की तरफ ज्यादा ध्यान बढ़ गया है, पीपल थिंक दैट आई गेस कंटेंट ज्यादा बेटर होना चाहिए, और हर किसी को कंटेंट ड्रिवन फिल्में पसंद भी आती हैं, और इनफैक्ट आई गेस ओटीटी के आने के बाद से कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ भी गया है, फिल्म मेकर्स भी नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक सो गाइस कि सिनेमा अभी थोड़ा सा बदल रहा है या और ज्यादा बदल गया है पहले के कंपैरिजन में, लोग अब फिल्मों को लेकर के थोड़ा ज्यादा सोचने लगे हैं? ना, डिपेंड, आई फील लाइक ऑडियंसेस भी बहुत, फिल्मों के बहुत अलग अलग ऑडियंसेस हो गए. पहले आई थिंक देयर वाजंट मच ऑप्शन, लाइक माय मॉम स्टिल टेल्स मी कि जब वो बचपन में दूरदर्शन पे फ्राइडे पे एक फिल्म आती थी जो सब बैठ के उनको वही देखना पड़ता था. तो आई फील लाइक विद आवर जनरेशन द अमाउंट ऑफ ऑप्शंस वी हैव एंड द कंटेंट दैट वी कैन कंज्यूम इज सो मच, फॉर एवरी काइंड ऑफ मूवी, एवरी काइंड ऑफ genre has a different audience, and I feel like that's really nice because us as actors also get that much more scope to experiment. क्योंकि पता है कि ये लोग हैं जो ये टाइप की फिल्में देखेंगे, so I feel like that is really cool. The whole idea of there being more opportunity because of that is really cool. ऑल राइट चलिए थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे आप दोनों के साथ भाई, और आई विश सॉरी सॉरी शांतनु आई डिडंट हियर यू, अगर आप कुछ कहना चाहें नहीं तो प्लीज क्वेश्चन फील भी फ्री। भूल गया था मैं, क्वेश्चन क्योंकि भूल गया था. बिकॉज वो इतने अच्छे से कुछ आंसर कर रही थी तो थैंक लाइक बट यू कवर्ड यू। ओके इट। ओके सबसे एक एक छोटे छोटे सवाल हैं, आप दोनों का आंसर करना है। सेट पर सबसे ज्यादा शरारती कौन था? कोई भी नहीं, तूने भी ऐसे कुछ सही ने मेजर खुद का किया? नाम लिया है। हाँ बट खुद ऐसे कुछ कुछ किया नहीं उसने सेट पे, अरे नहीं, बाकी बाहर के सेट में किया। राजा आया, अच्छा राजा तो मैं आया, गाना राजा, अपने आप हाँ को बना दिया है। फोन फोन सबसे ज्यादा यूज कौन करता था सेट? क्या बात है। भुक्कड़ प्राणी ऑन सेट, मतलब मैनेटी में गाते थे तो पता नहीं कौन, बट बिगेस्ट ये तो हंगर, होगी सबसे इसको सबसे भूख लगती है। ओके तो नहीं लगती सारे यार। मुझे लग रहा है सही के पास ही जा रहे। ओके वैनिटी में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है या रहता रहता था? दोनों भी दोनों नहीं, भी नहीं, जब नो बुलाते थे आ वन, जाते थे देयर टू वर्क। हाँ कॉल टाइम पे हम हाजिर हैं. हाँ बात यू बात पर हंसता कौन है सबसे ज्यादा दोनों में? यू आई मेक द लाफिंग हैपन, यू डू ओ द माय लाफिंग. गॉड, ओ माय गॉड, सीन से पहले टेंशन टेंशन किसे रहती थी? किसी भी सीन, कोई भी फिल्म के नीरज सीन से पहले, किसी भी अब शॉट से पहले सबसे ज्यादा टेंशन किसे रहती? टेंशन दे रही थी आई यार थिंक किसी को भी नहीं। इनको, एडीज को, ऐसा ना अच्छा ओके, एडीज को रहती थी टेंशन। शी सेड ओके सबसे चिल इंसान कौन था फिल्म के सेट पर? नीरज ओके सर, एक सुधीर सर और बोलता छोटे छोटे से और एक्चुअली सवाल है मेरे। सर। योर हमारे बिगेस्ट वीकनेस? हमारे ओके हमारे हमारे एम्पैथी, बबुआ, अरे अरे हमारा एक्सेंट सडनली आई डोंट नो व्हाई। एम्पैथी इज माय बिगेस्ट वीकनेस आई थिंक. नॉट बीइंग टू से ओके नो। फॉरएवर द फेवरेट सॉन्ग जो आप हमेशा सुनते हैं, कोई ऐसा गाना? चांद सिफारिश, ओह माय गॉड, अभी ना जाओ छोड़ के। ओके क्रैश इन बॉलीवुड। जस्ट शट अप, आई डोंट जस्ट हैव टेक अ न्यू प्रिटी गर्ल मैन, व्हाट आर यू सेइंग, ये मेरे को ऐसा जान के रहना है. नो तो हो ही नहीं सकता कि आप दोनों का कोई क्रश ना हो, जरूर नो, होगा। मेरा आई एम बनी, बस, सॉरी रणबीर, रणबीर बनी कपूर. शांतनु को बहुत सोचना पड़ रहा है मुझे लग रहा है। अरे भाई किसी का भी नाम ले लो. ओके बॉलीवुड में नहीं तो आलिया हॉलीवुड में भट्ट, बता दीजिए। हाँ हॉलीवुड में, हाँ केट विंसलेट है क्या ना, आदमी जेनिफर है यार, ये लॉरेंस, हमारे अरे देश से नहीं है. है ऐसा कुछ नहीं है। ओके एनी डायरेक्टर जिसके साथ काम करना चाहते हैं सो सॉरी जो बोलो। विश लिस्ट में है, एनी 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 डायरेक्टर फ्रॉम द बॉलीवुड? हाँ वांगा सर,
अयान मुखर्जी। ऑल राइट, कोई एक्टर जिसके साथ आप दोनों की ख्वाहिश है कि मैं ऑन स्क्रीन रोमांस करूं? रोमांस और काम वाम बोलेंगे, क्या किसी सीधा से एक्टर? रोमांस या प्रियंका प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर। कपूर। तो ये इतना क्यों सोच रहे हो, मुझे पता नहीं। हटके आंसर आई है न्यू इट, आई न्यू इट। बेस्ट पीस ऑफ फ्रेश एडवाइस फेस यू गाइस हैव यूनिक रिसीव्ड? किया ओके, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप लोगों को आज तक, अब तक की बेस्ट रही हो, किसी ने ऐसी सलाह आपको दी हो जो सबसे अच्छी है आपकी? हकूना मच्छा छा, सॉरी यू गो, आई गो। मतलब इन टर्म्स ऑफ फिल्म, आई वुड से लाइक वर्क जोन में कि फिल्म एक बार छपती है, सो यू मेक श्योर दैट यू लुक गुड और यू लुक इन सर्टन वे द वे यू वांट इट, एंड नेवर टेक दैट फॉर ग्रांट। ओके, 90s की फिल्म है या फिर आज की फिल्म अरे सही को भी तो मिला होगा ना, मेरा और अलग अलग हमने काम किया है, तो सॉरी आई के आई पास भी है। थॉट सही आंसर। डोंट टेक एनीथिंग टू योर हेड, डोंट टेक सक्सेस टू योर हेड, डोंट टेक फेलियर टू योर हार्ट। ओके, नाइनटीज अंकित की फिल्म है या फिर यू आज की आर फिल्म? टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन अंकित, हां दिस इज द लास्ट वन। 90s फिल्म्स और 20s फिल्म्स, आज की या नाइनटीज फिर 90s? नहीं, इफ यू कैन स्ट्राइक अ बैलेंस लाइक औरों में कहा दम था। लव करते हो सर। ऑल राइट, वेल थैंक यू सो मच शांतनु एंड सई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आई होप कि आप दोनों की जोड़ी को जो लोग, जो फैंस अभी प्यार दे रहे हैं फिल्म की रिलीज के बाद भी, आप उतना ही प्यार मिले, आपकी फिल्म को भर भर कर ऐसे ही और ज्यादा लोग पसंद करें, बॉक्स ऑफिस पर ये ब्लॉकबस्टर हो, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और उम्मीद है हम आप दोनों को जल्दी किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई फिल्म में जरूर देखें। थैंक यू अंजय, थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू फॉर द यू इंटरव्यू, सो हैव मच, थैंक यू फॉर अ टॉकिंग टू लवली अस, डे। थैंक यू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।